हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारगा टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें एक्टिव क्लीनर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो कहीं भी अच्छा लग जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्लीनर एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पे क्लीनर टूल्स वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे आपको, जिसके अंदर ज्यादा यहाँ से सिंपल से इसका ऑप्शन अवेलेबल से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं मैं इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा जानकारी है पर अच्छे से जानो दोस्तों। जिसके अंदर यहाँ पे स्कैनिंग बाय ऑप्शन आएगा, क्लीनिंग साइट ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर रेटिंग शेयरिंग यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, और न्यू वर्जन एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको यूजिंग करने का भी ऑप्शन आसान सा मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं एप्लीकेशन को ओपन, आपको बता दो इस एप्लीकेशन यूजिंग साइट किस प्रकार से आएगा। तो पेज को दोस्तों इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर यहां पे 100% का लोड लेगा एंड 100% कंप्लीट होने के बाद ये एप्लीकेशन ओपन होकर आएगा। उसके बाद दोस्तों आगे जो कि आपको यहां से क्लीनअप दिखाई देगा, एडिंग दिखाई देंगे, ऐड को यहां पे क्लोज कर लेना है। ऐड को क्लोज करते ही यहां पे एप्लीकेशन का पूरा सिस्टम ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहां पे वर्ड वाइड सर्वर्स दिखाई देंगे, जिसके अंदर वर्ड वाइड सर्वर्स के अंदर से एक सर्वर्स को यहां पे चूज करके यहां पे उसको परमिशन दे देना, अल्सो अलाउ कर देना है यहां पे इस प्रकार से, जिसके अंदर यहाँ पे आप यहाँ से देखे अल्सो अलाउ कर देंगे एंड कनेक्टिंग होके आ जाएंगे ये। लेकिन यहाँ पे सर्वर्स को कनेक्टिविटी करना जरूरी है, अगर इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं करे तो आपने आगे की प्रोसेसिंग ऑन नहीं होगी। ये देख सकते हैं आपके क्लीनअप का ऑप्शन ओके आपके सामने आएगा, फिर इसको बैक ले लेना। वीपीएन को यहाँ पे बैक लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से जंक क्लीनर। जंक क्लीनर के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा वीपीएन का ऑप्शन, जो तो आप कनेक्टिविटी ले चुके हैं यहाँ पे इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लीनर जंक, क्लीनर जंक वाले बॉक्स के ऊपर टच करेंगे, टच करने के बाद इसको परमिशन देना है, इसको यहाँ से जो कि फाइल मैनेजमेंट से परमिशन देना है, सिस्टम चेकिंग वगैरह होगा, जंक चेकिंग वगैरह, इसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन क्लीनर ओके आएगी। पूरा की पूरा एक स्कैनिंग बाय ऑप्शन आएगा, स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे आपके सामने पूरा की पूरा क्लियर अप बन के आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा क्लीनिंग, क्लीनिंग जंक कर देना, यहाँ पे जंक क्लीनर ओके आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से वो बाय स्कैनिंग होने देना है और कुछ सेकंड का वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे 100% कंप्लीटली होके आ जाएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और वेट करना। वेट करने के बाद ये क्लीनर होके आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कि सेकंड अप उल्टे चल के आएंगे यहाँ पे और इस प्रकार से क्लीन होके आ जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा आपको गो क्लीनर, जो कि वो 1 MB का यहाँ पे आपके सामने नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है तो ये भी आसान से कर सकते हो दोस्तों आप। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड है गाइस, जिसके अंदर यहाँ पे आप आसान से क्लीनअप कर सकते हो, आसान से यूजिंग कर सकते हो। सेटिंग की बात करूं इसके थ्री डॉट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग, रेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, शेयरिंग विच ऑप्शन दिखाई देगा, प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड है गाइस। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।